नमस्कार। मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन के समक्ष मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। उनमें से पहला ये है कि नए जम्मू कश्मीर के लिए समय की मांग है कि एक नई युवा खेल और भर्ती नीति जो है उसका निर्माण किया जाए, और उसमें खास करके जो हमारी आम जनता है और आम जनता में जो हमारे युवा साथी हैं उनकी राय जो है वो जरूर शामिल की जानी चाहिए। और जितनी भी हमारी इस संबंध में नीतियाँ बनी हुई हैं या तो पुरानी हैं जहाँ उनको समय के अनुसार तार्किक नहीं कह सकते, तो ज़रूरी है कि एक नई नीति बनाई जाए। पिछले दिनों JKSSB की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, और उसके बाद लगातार जो हमारे युवा साथी थे जो उस एग्ज़ाम में बैठे थे उनकी ओर से ये इशू रेज किया गया था कि एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया। और अगर आप JKSSB का ट्विटर हैंडल देखते हैं तो आप देखेंगे किस तरीके से युवाओं ने जो है वो नीचे कमेंट किए हैं, और ये जो है एक आशंका व्यक्त की है कि इसको सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया। और बहुत सारे जो थे वो अंदेशा व्यक्त कर रहे थे कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस JKSSB की ओर से कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारा मेन रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों के लिए एम्प्लॉयज़ का चयन करता है। तो अगर इस तरीके से इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठते रहे तो मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस है नए जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसकी एक कंप्लीट इंक्वायरी की मैं मांग LG प्रशासन से करता हूँ कि इस संबंध में जो भी हमारे पास अवेलेबल सबूत है, जो युवाओं का कहना है, उनकी जो राय है, वो जो कह रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे CCTV फुटेज है, क्योंकि खुद जो चेयरमैन है JKSSB के उन्होंने कहा था कि ये सारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ये CCTV फुटेज में जो है वो कैद है। तो मुझे लगता है कि उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी हो सकती है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि यूथ कह रहा है क्या वो सही है गलत है। लेकिन अगर ये सही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस रहने वाला है, क्योंकि इसको जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि जो एक विश्वसनीयता है हमारे सिलेक्शन बोर्ड की वो युवाओं में बनी रहे। और जिस नए जम्मू कश्मीर की हम बात लगातार पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, उसके लिए जो 70-80 लाख युवा हैं हमारे, उनका जो विश्वास उस नए जम्मू कश्मीर के सिस्टम में होना जरूरी है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि उपराज्यपाल प्रशासन इस तरह के जितने भी मुद्दे उठते हैं उनकी कंप्लीट जाँच करे। दूसरा, काफ़ी सारे हमारे युवा साथियों को जो है वो इंगेज किया गया है डिफरेंट गवर्नमेंट हेड्स के नीचे, लेकिन एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम उनको नहीं दिया गया है। तो उपराज्यपाल प्रशासन से मेरी ये डिमांड है कि आप लगातार कहते रहे हैं कि हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल तक आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जो ये बताता हो कि आपने जो है कुछ नया इनिशिएटिव उनके लिए लिया है। काफ़ी सारे हमारे साथी जो काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन में हमारे NYCs थे जिन्होंने सर्व किया था, लेफ्ट आउट रह गए थे किसी वजह से, जिसमें कुछ सरकारी गलतियां भी शामिल थी, कुछ के उस टाइम आधार कार्ड्स नहीं बने थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारी पेंडिंग रह गई। तो 571 के करीब ये लेफ्ट आउट NYC हैं। तो मेरे ये डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से कि सालों हो गए आपको कमीशन बनाते हुए, अब समय आ गया है कि आप इनकी डिमांड को सुने, क्योंकि अगर इसी तरीके से कमीशन पे कमीशन बनते रहे तो फिर बात वही आएगी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का युवा है उसकी जो एक जो विश्वास है, आशंका व्यक्त की है कि इसको सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया। और बहुत सारे जो थे वो अंदेशा व्यक्त कर रहे थे कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन JKSSB की ओर से कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारा मेन रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों के लिए एम्प्लॉयज़ का चयन करता है। तो अगर इस तरीके से इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठते रहे तो मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस है नए जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसकी एक कंप्लीट इंक्वायरी की मैं मांग LG प्रशासन से करता हूँ कि इस संबंध में जो भी हमारे पास अवेलेबल सबूत है, जो युवाओं का कहना है, उनकी जो राय है, वो जो कह रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे CCTV फुटेज है, क्योंकि खुद जो चेयरमैन है JKSSB के उन्होंने कहा था कि ये सारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ये CCTV फुटेज में जो है वो कैद है। तो मुझे लगता है कि उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी हो सकती है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि यूथ कह रहा है क्या वो सही है गलत है। लेकिन अगर ये सही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस रहने वाला है, क्योंकि